Good morning, friends. Once again, welcome for the practice session for the problem solving of physics for the topic of alternating current. So, friends, as you know, on 26 your exam is there, and from yesterday we have started with the problem solving for the topic of alternating current. So, I will suggest you to continue with yesterday's sheet, that is 12th A2. 10th and 11th August, the same PDF we will use, and I think from up to 36 we have solved. So I have that sheet with me, so you also, it's better to open that sheet or ek ek problem ko dekh ke jate. Okay, so now today's problem number 1, that is your problem number 36 in PDF. So I will suggest you to open the problem number 136 in your PDF. So problem में क्या दिया बेटा? देखो जरा. Problem में दिया है, for high frequency, capacitor offers more resistance, less resistance, zero resistance, none of this. For high frequency. Capacitor offers resistance offered by the capacitor, as you know, resistance offered by the capacitor for high frequency means we are somewhere dealing with AC. हम कहाँ से deal कर रहे हैं? AC में deal कर रहे हैं. So for capacitor, in AC we will call as capacitive reactance. Okay beta, so that will be got by putting the formula xc is equal to 1 upon omega c. Omega kitna banta hai beta apna? Omega banta hai apna 2 pi f, so 2 pi fc. So yahan se kya milta hai aapko? Your xc is proportional to 1 by f. So, for higher frequency, क्या हो जाएगा? XC will be less. So, it will offer less resistance. So, your option, less resistance is the correct option. I will suggest you to note this down. आपको मालूम होना चाहिए क्या होता है. Okay? अगर आपका हो गया है, तो हम आगे चलते हैं. आगे क्या problem है? Problem number 2, PDF का 137. बीच बीच में आप क्या करो उसको स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेते जाओ, देयर इज नो प्रॉब्लम. तो प्रॉब्लम नंबर 2 इधर का कितना है? 137 आपका. ओके, प्रॉब्लम 2 पीडीएफ 137. इसमें क्या दिया है आपको जरा रीड करो आप. इफ द पावर फैक्टर चेंजेस फ्रॉम 1/2 टू 1/4, if the power factor changes from 1/2 to 1/4, then what the increase in impedance in AC? Power factor change, kya diya beta? Power factor 1/2 to 1/4, and what is the increase in impedance? Delta Z kitna aayega, ye aapko pucha hai. इंक्रीज इन इंपीडेंस कितना आएगा वो आपको पूछा है. ओके, अभी पहले लेते हैं पावर फैक्टर का फॉर्मूला. पावर फैक्टर बेटा कितना आता है आपका? पावर फैक्टर दिखाते हैं हम cos phi. cos phi का फॉर्मूला क्या है? R by Z. ओके, cos phi का फॉर्मूला R by Z. तो यहां से क्या आता है? मेरा cos phi जो रहेगा दैट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Z. तो cos phi will be inversely proportional to Z. Therefore, अगर power factor change हो रहा है, तो impedance कितना हो जाएगा? Delta Z कितना मिल जाएगा बेटा? Delta Z will be Z2 minus Z1. Okay. Therefore, अभी यहाँ पे cos phi दिया है,
कॉस फाइव दिया है, तो कॉस फाइव वन नहीं तो फाइव टू अपॉन कॉस, नहीं, कॉस फाइव वन अपॉन कॉस फाइव टू ही करेंगे, वो बन जाएगा जेड टू बाई जेड वन, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। हाँ, तो अभी कॉस फाइव वन कितना है, वन बाई टू, एंड कॉस फाइव टू वन बाई फोर है, तो जेड टू अपॉन जेड वन कितना हो जाएगा, कॉस फाइव वन दैट इज वन बाई टू अपॉन वन बाई फोर, तो ये कितना हो जाएगा, वन बाई टू इंटू फोर बाई वन, तो ये हो जाएगा टू टू जो फोर, तो जेड टू अपॉन जेड वन कितना मिल गया आपको, टू। तो इसका मतलब क्या हुआ, मेरा जेड टू जो होगा, जेड टू विल बी टू जेड वन। तो अभी डेल्टा जेड कितना आएगा, डेल्टा जेड विल बी जेड टू माइनस जेड वन, दैट इज टू जेड वन माइनस जेड वन, दैट इज जेड वन हो जाएगा। तो आपका आंसर में कितना आएगा, अगर पहला जेड वन है और जेड टू उसके डबल होता है, मतलब इंक्रीज इंक्रीज परसेंटेज, ये हो जाएगा 100%। तो आपका इंपीडेंस कितना बढ़ेगा, 100% से बढ़ेगा। तो आपके पास ऑप्शन है वो 137 में, ओके। सो आई विल सजेस्ट यू टू नोट दिस डाउन, ओके। इसके आगे चलते हैं, ओके। अभी देखते हैं प्रॉब्लम नंबर थ्री। प्रॉब्लम नंबर थ्री में बेटा क्या दिया है वो देखते हैं जरा। प्रॉब्लम नंबर थ्री में आपको दिया है, एक मिनट, प्रॉब्लम नंबर थ्री में आपको दिया है 138 पीडीएफ आपका, आपको दिया है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एसी इन अ सर्किट इज 707 वोल्ट, इट्स आरएमएस वैल्यू। ये तो कुछ देख बोलने का सवाल ही नहीं होता, ओके। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज दिया है 707, वी मैक्स इज इक्वल टू 707 वोल्ट, तो वी आरएमएस आपको पूछा है, आपका आपको मालूम है वी आरएमएस वी नॉट अपॉन रूट टू। अब ये वी मैक्स जो है इसको ही हम पीक वैल्यू बोलते हैं, पीक वैल्यू, तो यही बन जाएगा आपका मैक्सिमम वैल्यू अपॉन रूट टू। रूट टू का कितना है, 1.414, ओके। अगर आपने देखा, सॉरी, सो इफ यू कीनली ऑब्जर्व देन व्हाट यू विल गेट दैट इसके डबल आता है ना। तो आपके ऑप्शन में कितना है, आपके ऑप्शन में दिया है बेटा 70.07100500, तो इसका 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 डबल है ये, हाँ। तो आपने अगर किया 707 मल्टीप्लाइड बाय 2 कितना आता है देखो, तो ये 1 2 3 आना चाहिए बराबर। तो क्या करेंगे, इसको अगर मैंने इसको किया तो ये आने के लिए 0.707 किया तो ये मेरे को मिलेगा 1.414, समझ गया। तो मैं क्या करता हूँ, 707 को वैसे ही रखता हूँ, इसको ऐसे ऐसे लिखता हूँ, ऐसे ये फिगर को ऐसे लिखता हूँ, ये बन जाएगा 0.707 मल्टीप्लाइड बाय 2। तो इसको अगर मैंने किया तो 1 2 3 10 रेस टू माइनस 3 बराबर हो गया, गेटिंग में पॉइंट 1.414। तो ये ऐसे हो सकता है, इसको और इसको 1 हो जाए। 707 से मैंने अगर उसको डिवाइड किया है ना, 707 से अगर मैंने डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा, तो ये पूरा आएगा आपका 500 वोल्ट। तो आरएमएस का वैल्यू होता है वो पीक वैल्यू से थोड़ा सा कम होता है, बिकॉज अपॉन रूट टू है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, सो आई सजेस्ट यू टू नोट दिस डाउन। अभी हम आगे के लिए जाते हैं बेटा, आपका आगे का प्रॉब्लम है, आगे के प्रॉब्लम में आपको पूछा है, क्या पूछा है, विच करंट, ओके। सो प्रॉब्लम नंबर फोर, पीडीएफ बन जाएगा आपका 139। तो 139 में क्या पूछा है बेटा आपको, विच करंट्स डू नॉट चेंज डायरेक्शन विद टाइम,
व्हिच करंट डू नॉट चेंज डायरेक्शन विद टाइम. तो आपका आंसर है ऑफ कोर्स डीसी करंट. एकदम सिंपल क्वेश्चन है, बताने का ज्यादा जरूरत नहीं है. अगर आपका एसी है तो एसी ऐसे आ जाएगा, ये बन जाएगा आपका एसी करंट. तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ये ऊपर नीचे करते रहते, इसको पीक वैल्यू था. वेयर एज फॉर डीसी करंट, मेरा ग्राफ कैसे दिखता है, अगर मैंने प्लॉट किया ये आई वर्सेस टी, ये भी आई वर्सेस टी, तो डीसी का ग्राफ रखता है स्ट्रेट लाइन, सो स्लोप जीरो आता है. सो डीसी करंट जो होता है इट डजंट चेंज डायरेक्शन विद टाइम. सो दैट्स ऑल फॉर द क्वेश्चन नंबर 139. तो अभी जाते हैं प्रॉब्लम नंबर 5 के. तो बेटा प्रॉब्लम नंबर 5 देखते हैं, प्रॉब्लम नंबर 5 क्या है. ओके, तो प्रॉब्लम नंबर 5 में आपको देखना है कौन सा, आपका प्रॉब्लम नंबर 140, आपको देखना है प्रॉब्लम नंबर 140, वो बन जाएगा अपना प्रॉब्लम नंबर 5. पीडीएफ 140. इसमें क्या दिया बेटा, When an AC current passes through a resistor, there is a dissipation of. Okay. There is a dissipation of. क्या क्या दे देखो, जूल हीटिंग, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, पावर. जूल हीटिंग, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, पावर. तो यहां पे फॉर प्योर रेजिस्टर फाई कितना होता है, फाई इज जीरो. ओके, फाई होता है आपका जीरो आता है. उनका उनका ऑप्शन क्या क्या है, जूल हीटिंग, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, पावर. ओके, सो क्या पूछा है, व्हेन एसी करंट पासेस थ्रू अ रेजिस्टर देयर इज अ डिसिपेशन ऑफ. ओके, तो क्या होता है यहां पे आपका जो फॉर्मूला आएगा पावर का, बराबर, तो पावर के फॉर्मूले में पावर के फॉर्मूले में डायरेक्टली आप कॉस फाई से भी कर सकते हो, नहीं तो पावर, एवरेज पावर आपको कैसे आएगा, आई स्क्वायर आर, आई स्क्वायर आर आएगा. तो यहां पे कहीं पे भी आपका पावर आई स्क्वायर पे डिपेंड करता है, बट ये किसके लिए, फॉर एसी. ओके, बट फॉर डीसी आई डज नॉट चेंज. अगर आई आपका चेंज नहीं हो रहा है, इफ आई इज नॉट चेंजिंग देन पावर डिसिपेशन विल बी जीरो, बिकॉज आई इज नॉट चेंजिंग, पावर विल बी कॉन्स्टेंट. सो पावर डिसिपेट नहीं हो जाएगी, जो कुछ है उतना ही, वो चेंज नहीं हो जाएगा. ओके, सो लेकिन आपके डीसी के लिए उसमें से करंट जाएगा, तो सो फॉर एसी के लिए हो जाएगा पावर डिसिपेशन, यहां पे करंट पे होता है, सो पावर डिसिपेशन जीरो फॉर डीसी. फॉर डीसी, डीसी के लिए पावर डिसिपेशन आपका जीरो हो जाएगा. लेकिन एच में होता है आई स्क्वायर आर टी, इसको बोलते हैं जूल हीटिंग. तो यहां पे एच आपका कहीं पे भी आई स्क्वायर से रिलेट करता है. सो इफ एच इज रिलेटिंग विद आई स्क्वायर, तो यहां पे आपको ऑप्शन दिया है जूल हीटिंग, इलेक्ट्रिकल एनर्जी. अगर जूल हीटिंग है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसको ही बोलते हैं ना डब्ल्यू इज इक्वल टू पी इंटू टी, तो ये पी पावर इनटू टाइम. तो यहां पे अगर मैंने किया वी आई टी, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू वी आई टी, अगर मैंने किया वी इज इक्वल टू आई आर इंटू आई इंटू टी, तो ये भी बन जाएगा मेरा आई स्क्वायर आर टी. मतलब आपका दो ऑप्शन आएगा, बोथ, पहले भी आएगा ए एंड बी, दोनों भी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा. आर यू गेटिंग माय पॉइंट, सो आई सजेस्ट यू टू नोट दिस डाउन. अभी हम जाते हैं प्रॉब्लम नंबर 6 के लिए. ओके बेटा, तो प्रॉब्लम नंबर 6 में आपको क्या दिया बेटा, तो प्रॉब्लम नंबर 6 में आपको उन्होंने बोला है
141. अभी लिखते हैं 141. प्रॉब्लम नंबर 6, दैट इज अवर 141. सो लिखते हैं 141, प्रॉब्लम नंबर 6. PDF आपका हो जाएगा 141. तो 141 में क्या दिया आपको बेटा, 141 में दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड which of the following represents the value of voltage and current at that instant. Okay. Okay. मतलब वो जो ऊपर वाला क्वेश्चन पूछा है उसको ही कनेक्ट करके बोला है. सो फॉर प्योर R आपका V क्या आएगा, V नॉट साइन ओमेगा. ठीक, आपके ऑप्शन में दिया होगा आपको शायद, देखो ऑप्शन में आपको दिया है. ओके, तो आपका ऑप्शन में आएगा आपका आंसर वो दिया है. देखो पहले आपका ए ऑप्शन में दिया है वी नॉट साइन ओमेगा टी, वीएम दिया है, कुछ प्रॉब्लम वीएम और आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी. इसी को ही आप लिख सकते हो वीएम साइन ओमेगा टी मैक्सिमम वैल्यू, ये आई एम साइन ओमेगा टी बिकॉज दे आर इन फेज, प्योर रजिस्टर के लिए वो फेज में आते. सो दैट वाज अबाउट द प्रॉब्लम नंबर 6. अभी जाते हैं हम प्रॉब्लम नंबर 7 के लिए, 142 को देखो. ओके बेटा, सो 142 में क्या दिया है बेटा, अगर आपको कुछ दिक्कत है यू मे आस्क मी पर्सनली ऑन माय व्हाट्सएप, देयर इज नो इश्यूज, देयर आर नो प्रॉब्लम्स. ओके, आप मुझे पूछ सकते हो. ये कितना हो गया आपका क्वेश्चन, अपना क्वेश्चन बन गया 1 2 3 4 5 6 हो गया, 7 करते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 आपका आएगा 142. सो प्रॉब्लम 7 PDF 142. तो बेटा यहां पे क्या हो जाएगा, देखो अ 60 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर इज कनेक्टेड. सो सी कितना दिया है, 60 माइक्रोफैरेड दिया है. ओके, कनेक्टेड टू वोल्टेज दिया है 110 वोल्ट एंड फ्रीक्वेंसी दिया है 60 हर्ट्ज. द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट, द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट आपको पूछा है. तो आईआरएमएस कैसे लिखोगे, कैपेसिटर दिया है, फॉर कैपेसिटर वी राइट एक्स सी इज इक्वल टू 1/ωc, दैट इज 1/2πfc. तो पहले xc निकाल के लेते हैं, बराबर. बाद में vrms कैसे आएगा, irms into xc. सिंपल ओम्स लॉ यूज करेंगे, v is equal to i into r. और आपको ऑप्शन दिया है, अभी ऑप्शन में हम देखते हैं कि अपना आंसर आता है कि नहीं आता है. ओके बेटा, तो ये आपको दिया है, तो अपन को क्या निकालना है, irms निकालना है, VRMS upon XC. तो VRMS आपका कितना है, ये जो दिया हुआ होता है वही आपको लेता है, लेना है आपको RMS value. ये आपको ध्यान में रखना है. ये problems एकदम simple है बेटा, problems मैंने से बोलता ऐसा नहीं बोलता मैं problem difficult है ना, problems are not difficult, only you have to keep in mind whenever to take RMS value. If the value is not given, means value is given but it is not given that it is peak value or if it is RMS value, तो कहाँ क्या लेना है ये आपको मालूम होना चाहिए. तो यहाँ पे आपको RMS value लेना है V का, तो वो directly चलेगा और इसका value 2 into pi into F कितना है 60 और ये 60 into 10 raised to -6 ये microfarad है, बराबर. तो भी अगर मैंने calculation किया 110 upon 6 6 36, ओके, सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 36 इनटू ये 1 2, ये यहाँ पे मैं इसको मैनेज करता हूँ, मतलब ये 2 चले गए, माइनस 4 बच गया, ये पाई बच गया, बराबर. तो ये बन जाएगा 55. ओके, सो 55 upon 36 pi into 10 raised to -4. तो बेटा यहाँ पे आपका मैंने कैलकुलेट किया है, आपका आंसर आएगा इसमें जो 2.49 है, तो ये आएगा 2.49 एम्पियर. सो आई विल सजेस्ट यू टू नोट दिस
down. आपका आंसर आएगा 2.49 एम्पियर. देन लेट्स गो फॉर द प्रॉब्लम नंबर 8. तो प्रॉब्लम नंबर 8 में अभी क्या दिया है देखते हैं. अभी पीडीएफ आपका कितना है वो देखते हैं. ये हो गया आपका ओके पीडीएफ 145 में क्या दिया है. इन एन एसी सर्किट द इंस्टेंटेनियस वैल्यूज ऑफ ईएमएफ एंड करंट एंड जो दिया है आपको एंड एवरेज पावर कंज्यूम इन वैट्स. आपको निकालना है एवरेज पावर कंज्यूम इन वैट. तो आपको जो वैल्यू दिया है वो पहले मैं लिख के लेता हूं. E इज इक्वल टू 200 साइन 300 टी ओके वोल्ट है और आपको I कितना दिया है 2 साइन 300 टी प्लस पाई बाय 3 एम्पियर. तो यहां पे क्या करना है आपको बेटा, यहां पे कौन लीडिंग है कौन लैगिंग है ये आपको पता करना है पहले. तो यहां पे ये मुझे मिल गया आपका, ये मिल गया मुझे आई नॉट पीक वैल्यू और ये ओमेगा मिल गया. तो इसको लिखते हैं ओमेगा. तो ई नॉट कितना आएगा, ई नॉट 200 वोल्ट, आई नॉट कितना आएगा बेटा 2 एम्पियर, ओमेगा कितना आएगा 300 ओके और फाई कितना आएगा. तो ये मेरा फाई बन जाएगा मेरा पाई बाय 3. तो मैंने कल भी आपको बताया था पावर एवरेज पावर को कैसे लिखते हैं, हाफ ई नॉट इंटू आई नॉट इंटू कॉस फाइव. तो यहां पे निकालेंगे वो हाफ ई नॉट कितना है आपका 200 है. तो ई नॉट 200 मल्टीप्लाइड बाय आई नॉट कितना है 2 इंटू कॉस पाई बाय 3. पाई बाय 3 कितना आएगा 60, कॉस 60 आएगा. तो आई थिंक ये रिपीट हो गया है प्रॉब्लम. ठीक है इसको ठीक से कर देते हैं. 200 मल्टीप्लाइड बाय रूट 3 बाय 2 ना, ये रिपीट नहीं हुआ, रूट 100 रूट 3. अभी आपका ऑप्शन कितना है वो देखना पड़ेगा ओके. कॉस, अरे यार एक 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 मिनट, कॉस 60 है ना, ये सॉरी 1/2 आएगा, 1/2 आएगा, साइन 60 रूट 3 बाय 2 हाँ, ये कॉस 60 1/2 है. तो पावर आपका बन जाएगा 100 वॉट. समझ गया बेटा. तो दैट वॉज ऑल अबाउट द प्रॉब्लम नंबर 8. सो आई विल सजेस्ट यू टू नोट दिस डाउन. तो प्रॉब्लम को नोट डाउन करो, हम आगे प्रॉब्लम के लिए जाते हैं. अभी प्रॉब्लम नंबर 9 देखते हैं. तो बेटा प्रॉब्लम नंबर 9 में क्या दिया आपके, ठीक से देखते हैं. प्रॉब्लम नंबर 9 में आपको दिया है प्रॉब्लम नंबर 9 मतलब आपका 146 पीडीएफ में आपको देखना है 146. तो 146 में क्या दिया, द पीक वैल्यू ऑफ एसी वोल्टेज ऑन 220 वोल्ट मेंस. एकदम सिंपल है, पीक वैल्यू निकाल. तो वीआरएमएस दिया है, वीआरएमएस दिया है 220 वोल्ट और वी पीक वी नॉट पूछा है, वी नॉट क्वेश्चन मार्क. सो वीआरएमएस कितना आता है आपका वी नॉट अपॉन रूट 2. तो मेरा क्या बन जाएगा, एक तो सिंपल है इसमें करने का जरूरत नहीं है, रूट 2 वी आर एम एस. तो ये बन जाएगा 220 रूट 2. अगर आपके पास वो ऑप्शन नहीं है तो रूट 2 का वैल्यू 1.414 से मल्टीप्लाई करो, लेकिन आपको दिया है तो आपका 146 इसका आंसर आपका ऑप्शन आप देखो, शायद आपका सी ऑप्शन में दिया है उनको, ये ऑप्शन दिया है. सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन ओके. So I'll suggest you to note that down. So we'll go for next problem number 10. So problem number 10 में आपको क्या दिया है वो देखते हैं. Problem number 10. 1 minute है बेटा. Okay. Problem number 10 में आपका 147 आएगा. PDF 147. तो यहां पे क्या है, अल्टरनेटिंग करंट cannot be measured by DC ammeter. अल्टरनेटिंग करंट cannot be measured by DC ammeter. Because ऑप्शन देखो, AC cannot pass through DC ammeter. AC changes direction. Average value of current for complete cycle is zero. DC ammeter will get damaged.
तो आपको ये तीन उन्होंने ऑप्शन दिया है, बराबर। ओके, सो आपको ये तीन ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन आपका परफेक्ट है? ये सब ऑप्शन आपको लग रहे हैं ये सब एक दूसरे के पास पास है, लेकिन देखो ऐसे कैनॉट पास थ्रू डीसी एमिटर, ऐसा नहीं होता है। तो डीसी एमिटर जो होता है, डीसी एमिटर वो डीसी एमिटर होता है, मतलब अपना रेगुलर एमिटर, ये आपका आरएमएस वैल्यू रीड करता है। इसका रीडिंग क्या आएगा? आपका आरएमएस वैल्यू का रीडिंग आएगा। ओके ओके, आरएमएस वैल्यू का रीडिंग करेगा। लेकिन यहां पे अगर आपने देखा तो एवरेज वैल्यू क्या आएगा? तो फिर सॉरी, आरएमएस नहीं, एवरेज वैल्यू। तो क्या हो जाएगा? एवरेज वैल्यू आपने देखा करंट का, तो जितना ऊपर जा रहा है उतना ही नीचे जाएगा। सो ओवर कंप्लीट साइकिल, ओके, तो आपको ये देखना है ओवर कंप्लीट साइकिल दिस विल बी जीरो, वैल्यू विल बी जीरो। तो आपका ऑप्शन आएगा सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर योर क्वेश्चन। समझ गए बेटा? सी ऑप्शन बन जाएगा आपका 147 के लिए। ओके, सो उसको आप देख लो जरा। अगर इफ एनी डाउट इज देयर, एनी प्रॉब्लम इज देयर, यू मे फील फ्री टू आस्क मी, देयर इज नो प्रॉब्लम। ओके, तो अभी जाते हैं प्रॉब्लम नंबर 11 के लिए। PDF 148। तो 148 में क्या दिया है? एन एसी सोर्स इज 120 वोल्ट, तो V कितना दिया है? 120 वोल्ट। एंड F कितना दिया है? 60 हर्ट्ज। द वैल्यू ऑफ वोल्टेज आफ्टर आफ्टर 1/720 सेकंड, व्हाट विल बी वोल्टेज? ओके, उन्होंने वैल्यू दिया है, वो आपको करना पड़ेगा। ओके, तो यहां पे आपको उन्होंने क्या दिया है? देखो, द एसी सोर्स दिया है तो उसका आरएमएस वैल्यू दिया है। ओके, जहां पे देते हैं ये जो वैल्यू मिलता है, ये वैल्यू आपको आरएमएस वैल्यू मिलता है। एक मिनट के लिए, हाँ, लेट मी चेक, या देयर इज नो प्रॉब्लम। तो आपको वो देखना पड़ेगा, ये जो होता है ये आपका होता है आरएमएस वैल्यू। तो आपका इक्वेशन कैसे बनेगा? V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। तो V नॉट कितना आएगा आपका? V आर एम एस इंटू रूट टू इंटू साइन ओमेगा टी। तो यहां पे हम कैलकुलेट करते हैं, T दिया है आफ्टर 120 सेकंड, तो V आर एम एस कितना? 120 रूट टू साइन ओमेगा, ओमेगा 60, एफ 60 है तो ओमेगा कितना हो जाएगा? 2 पाई इंटू 60, सो 120 पाई बन जाएगा। सो 120 पाई टी, ओके, 120 पाई टी। तो ये कितना बन जाएगा? 120 रूट टू साइन, और ये कितना दिया है? 1/720, तो 120 पाई इंटू 1/720, ये बन जाएगा 6, बन गया। तो बेटा मेरा V कितना बन गया? तो मेरा V बन गया 120 रूट टू साइन पाई बाय 6, पाई बाय 6 मतलब साइन 30। तो बेटा ये कितना बन गया? यहाँ पे साइन 30 1/2 आएगा, तो ये बन जाएगा 120 रूट टू अपॉन 2, तो 2 को मैं रूट टू करता हूँ, तो ये रूट टू बन गया, नीचे बन गया रूट टू इंटू रूट टू, एक रूट टू ने एक रूट टू को काटा, सो 120 बाय रूट टू। तो अभी आपके ऑप्शन में कितना आंसर आता है वो आप देखो। ओके, तो कितना आ रहा है? नहीं तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, 60 रूट टू, तो एकदम सिंपल ये भी बन सकता है। ऐसा करने से अच्छा है यहाँ पे लिख देते हैं फटाफट, 120 रूट टू इंटू
वन बाय टू ये बन जाएगा 60, तो आपका आंसर निकला होगा 60√2 का। तो 60√2 का 60 मल्टीप्लाइड बाय 1.414, तो जीरो देते हैं, 6 4 24, 2 कैरी, 6 1 6 + 2 8, 6 4 24 कैरी 2, 6 1 6 + 2 8, तो 1 2 3, तो ये बन जाएगा 84.84। ओके, तो लेट मी चेक द ऑप्शन, ऑप्शन में आप क्या आपका 84.84 है, देखता हूँ। यस इट इज देयर 84.8, तो आपका ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नाउ विल गो फॉर प्रॉब्लम नंबर 12, तो देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 12 में क्या है। सो फ्रेंड्स, नाउ लेट्स गो फॉर प्रॉब्लम नंबर 12। I think your PDF will be 149. तो प्रॉब्लम में क्या दिया बेटा? प्रॉब्लम में दिया है आपको, the instantaneous voltage of a device of impedance 20 ohm. तो Z दिया है आपको 20 ohm. और instantaneous voltage is given as V is equal to 80 sin 100 pi t. The effective value of the current. They have asked effective value of current. तो आपको निकालना है IRMS. IRMS कितना आता है? I naught upon root 2. Okay. और I naught कितना आएगा बेटा? I naught आएगा आपका V naught upon Z. तो यहां से V is equal to V naught sin omega t. We will compare the above with V is equal to V naught sin omega t. If we will compare, then we will get V naught is equal to 80 volt. Z आपको already दिया है 20 ohm. तो आपको I naught कितना मिलेगा? Therefore, I naught कितना बन जाएगा? 80 by 20. Okay? So, ये 4 ampere मिल जाएगा. तो इसका IRMS कितना मिल जाएगा? IRMS बेटा 4 by root 2. अभी 4 को हम कैसे करते हैं? 4 can be written as 2 into 2 upon root 2, और एक 2 को हम root 2 कर सकते हैं। So IRMS बन जाएगा 2 root 2 ampere. Let's check the option also. Okay, option में आपका 2 root 2 नहीं है, लेकिन आप कर सकते हो उसको 2 into 1.414, 2 4 is 8, 2 1 is 2, 2 4 is 8, 2 1 is 2, तो 2.828 ampere. This will be the answer for your problem number 12, that is PDF 49. Problem 13. Problem 13 में आपको क्या दिया है? 150. Question number PDF का 150. तो 150 question में आपको क्या दिया है? Let's check. If an AC produces same heat as that of the produced by steady current of 4 ampere, then the peak value of current is. Then the peak value of current is. तो आपको मालूम होना चाहिए जो आपका definition होता है RMS value का. Okay, तो RMS value में ये definition आता है, जितना आपका वो heat produce करेगा उतने ही amount का आपका RMS value का current मिलता है. तो आपको given क्या दिया है वो आपको ध्यान में रखना है. आपको दिया है IRMS, इसका heat produce का इसका डेफिनेशन भी है. IRMS कितना दिया है? 4 एम्पीयर दिया है, बराबर बेटा. IRMS 4 दिया है, और आपको पूछा क्या है? पीक वैल्यू ऑफ करंट. तो अभी इसमें से कुछ प्रॉब्लम है. I नॉट इज इक्वल टू रूट टू IRMS. ओके, तो I नॉट इज इक्वल टू 4 रूट टू, दैट इज 4 इंटू 2 सॉरी 1.414. तो I नॉट कितना बन जाएगा? 4 4 जा 16, 4 1 जा 4 प्लस 1 5, 4 4 जा 16, 5.656 एम्पियर, इतना आपका आंसर आएगा. तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है? तो इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको लिखना है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन में दिया है वो डेफिनेशन है क्या? द एसी प्रोड्यूसेस सेम हीट एज दैट ऑफ द प्रोड्यूस बाय स्टेडी करंट ऑफ 4 एम्पियर. ओके, सो आरएमएस वैल्यू का
RMS current इट इज दैट वैल्यू, ये आपके पास लिख के रखो, इट इज दैट वैल्यू फॉर विच एसी प्रोड्यूसेस सेम अमाउंट ऑफ करंट. तो RMS वैल्यू इज दैट वैल्यू, सेम अमाउंट ऑफ करंट नहीं हीट, सेम अमाउंट ऑफ हीट. अमाउंट मतलब जितना उसका वैल्यू है, वैल्यू उसका जितना है उतने अमाउंट का सेम अमाउंट ऑफ हीट. तो अगर इतने वैल्यू का करंट जाएगा, ये RMS वैल्यू है, अगर ये 2 एम्पियर से आई RMS इज 2 एम्पियर, तो उतना ही हीट एसी में उधर जनरेट होगा, उतना ही हीट एसी में जनरेट होगा. तो जितना हीट एसी में जनरेट होगा तो वो वैल्यू है. तो इधर RMS करंट को वही वैल्यू ऑफ RMS करंट विल बी देयर. तो दिस इज वन ऑफ द डेफिनेशंस ऑफ RMS करंट. तो जहां पे आपको दिया है एसी प्रोड्यूसेस सेम अमाउंट ऑफ हीट फॉर दैट करंट, तो जितना वैल्यू दिया है करंट का फॉर विच एसी इज प्रोड्यूसिंग सेम, मतलब 4 जूल ऑफ हीट प्रोड्यूस करेगा. करंट कितना दिया है 4 एम्पियर, और एसी हीट कितना प्रोड्यूस कर रहा है उतना ही कर रहा है, मतलब 4 जूल ऑफ हीट प्रोड्यूस कर रहा है. तो आपको मालूम है अगर 4 जूल ऑफ हीट ही प्रोड्यूस कर रहा है, करंट कितना बोल रहे हैं 4 एम्पियर, मतलब वो करंट पीक करंट नहीं है, एवरेज करंट नहीं है, वो है RMS करंट. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, विल गो फॉर द प्रॉब्लम नंबर 13. तो प्रॉब्लम नंबर 13 मतलब आपके PDF में 151 का प्रॉब्लम देखिए. You may see the problem number 151. Okay. So let's start with the problem number 151. Okay. Okay. 151 में आपको क्या दिया है? The hot wire ammeter measures. The hot wire ammeter measures, एक मिनट, ओके, तो बेटा यहां पे आपको क्या दिया है, the hot wire ammeter, okay, measures. तो ये क्या आपका न्यूमेरिकल पार्ट नहीं है, ये थ्योरेटिकल पार्ट है. तो आपको ऑलवेज याद रखना है, अपना जो होता है, अपना होता है, अपने में क्या होता है, रेगुलर एमिटर से, रेगुलर इंस्ट्रूमेंट जो होता है, अपना एमिटर, डीसी एमिटर, उसमें क्या होता है, कॉइल होता है, कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड. तो मैग्नेटिक फील्ड और कॉइल, मतलब समवेयर रिलेटेड टू द मैग्नेटिक फील्ड वर्किंग इट इज कंस्ट्रक्टेड. तो एसी के लिए ये नहीं हो सकता क्योंकि अपना करंट हरदम चेंज होते रहते हैं. तो एसी में अपना एज द करंट इज फ्रीक्वेंटली चेंजिंग इन द एसी, सो यहां पे फॉर एसी इंस्टेड ऑफ यूजिंग मैग्नेटिक इफेक्ट वी यूज हीटिंग इफेक्ट. तो आपको जो जूल हीटिंग मिलता है एसी जाने से क्या होता है, पावर डिसिपेशन हो जाएगा. तो पावर डिसिपेशन जब होता है इसका मतलब क्या है, कहीं तो एनर्जी कंज्यूम हो रहा है. इफ द पावर डिसिपेशन इज देयर देन इट मींस दैट द एनर्जी इज समवेयर कंज्यूम. तो अगर एनर्जी कंज्यूम हो रहा है, इफ देयर इज अ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी, सो ऑफकोर्स इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ से जूल हीटिंग. तो जूल हीटिंग का यूज करके आप उसको यूज करते हैं. सो हॉट वायर एमिटर इज ऑलवेज यूज टू मेजर एसी. तो आपका ऑप्शन आएगा एसी. हम आगे जाते हैं आगे की प्रॉब्लम के लिए. हाँ बेटा ठीक है. तो आगे का प्रॉब्लम आपका क्या है हम देखते हैं जरा. तो आगे प्रॉब्लम नंबर 15. प्रॉब्लम नंबर 15 में क्या दिया आपको, लेट्स रीड दैट. सो आपका है 152 का
सो प्रॉब्लम नंबर 15 मेरा आपका 152 पीडीएफ का. तो 152 में विच टाइप ऑफ करंट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस. इन डोमेस्टिकेशन. ओके, अभी डोमेस्टिकेशन का मतलब क्या है? तो डोमेस्टिकेशन का मतलब रेगुलर रेगुलर डोमेस्टिक यूज. तो इसी को ही हम हाउस होल्ड सर्किट्स बोल सकते हैं, हाउस होल्ड भी बोल सकते हैं. तो हाउस होल्ड में, एक मिनट, हाउस होल्ड में बेटा आपका क्या होता है? आप यूज करते हो क्या? यूज करते हो हाउस होल्ड में अपना प्लग है, जो सब आपको प्लग मिलता है वो तो क्या डीसी नहीं होता है. हाउस होल्ड में आपका आता है एसी. ओके, तो ये हो जाएगा आपके, ये प्रॉब्लम नहीं है, एक क्वेश्चन समझ के आप उसको कर सकते हैं. सो आई विल नॉट मच मोर एम्फसाइजिंग ऑन दैट. अभी 153 देखिए आपका प्रॉब्लम नंबर 16. 153 में क्या है, 153 में क्या है वो देखते हैं. प्रॉब्लम नंबर 16 पीडीएफ 153. तो यहां पे क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स शोज इन अ प्योर रेजिस्टर द वोल्टेज एंड करंट आर इन फेज. सो पहले अपन को लिख के रखना होगा फॉर प्योर आर, क्या होता है आपका वोल्टेज एंड करंट आर इन फेज में है. तो अगर दोनों फेज में तो कैसे लिखेंगे? वी एंड आई आर इन फेज. तो अगर वो फेज में है, इफ दे आर इन इन फेज, तो अगर फेज में है तो आपका ग्राफ कैसे बनेगा वो आपको निकाल के दिखाते हैं. तो ग्राफ बन जाएगा, एक ही ग्राफ पे अगर मैंने उनको प्लॉट किया, इफ आई एवर ट्राई टू प्लॉट देम ऑन अ सिंगल ग्राफ, देन आई विल गेट दैट, आई एम गेटिंग से दिस इज वोल्टेज. तो ये बन जाएगा वोल्टेज का पीक वैल्यू, इसको बोलता हूं मैं वी नॉट. तो आई एंड आर विल बी, सॉरी आई एंड वी विल बी इन फेज. अगर वो फेज में तो मेरा आई कैसे दिखेगा? ओके, आई भी यहां से ही चलेगा लेकिन वो थोड़ा सा छोटा छोटा चलेगा वी से. तो ये बन जाएगा मेरा आई नॉट, ये टी बन गया. तो दे आर इन फेज. तो अभी आपको अपने ग्राफ में वो देखना होगा. तो अपने ग्राफ में देखा अगर आपने, तो यहां पे 1 2 3 4, ओके, पाई 2 पाई 3 पाई ये दिया है. यहां पे टी नहीं दिया, यहां पे ओमेगा टी दिया है, बराबर. तो यहां पे अगर आपने देखा तो आई कहां से चालू होना चाहिए? जीरो से चालू होना चाहिए. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो यहां पे आपका ऑप्शन बी देखो, वहां पे वैसे ग्राफ आपका निकल रहा है, बराबर, क्योंकि उन्होंने आई और माइनस आई एम लिखा है पाई टू पाई. ओके, जीरो टू पाई थ्री ओमेगा ये भी दिया है, जीरो पाई टू पाई ओमेगा, जीरो पाई टू पाई थ्री पाई. तो आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन. आप वहां पे देखो, अगर किसी को प्रॉब्लम है, एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम इज देयर, यू मे आस्क मी, फील फ्री टू आस्क. अगर इसमें कुछ दिक्कत है, कुछ प्रॉब्लम है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे आपका डाउट भेज सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है. वी विल गो फॉर द नेक्स्ट प्रॉब्लम नाउ. तो नाउ विल गो फॉर प्रॉब्लम नंबर 17. तो आपके पीडीएफ में 154, आपके पीडीएफ में आपका प्रॉब्लम है 154, वो देखेंगे जरा क्या है. सो विल गो टू सी प्रॉब्लम नंबर 154. प्रॉब्लम 17, ये आपका पीडीएफ 154 हो जाएगा. तो 154 में क्या है, एवरेज पावर डिसिपेटेड इन द रेजिस्टर. क्या पूछा है? एवरेज पावर डिसिपेटेड इन द रेजिस्टर. तो ये
आपको जो मैंने फॉर्मूला दिया था कल, उसी फॉर्मूला का यूज करने का। एवरेज पावर कितना आता है? 1/2 वी नॉट आई नॉट इनटू कॉस फाइव। बट फॉर प्योर रेजिस्टर आपको क्या मालूम है? प्योर रेजिस्टर के लिए यही वी एन आई क्या होता है? इन फेज। वी एन आई आर इन फेज। तो अगर आपका प्योर रेजिस्टर के लिए वोल्टेज एंड करंट फेज में है, देयरफॉर आपका कॉस फाइव कितना बन जाएगा? कॉस फाइव विल बी कॉस जीरो, दैट विल बी वन। तो आपका पी कितना आएगा? वी नॉट आई नॉट अपॉन टू। तो इसको ही मैं थोड़ा सा उल्टा करता हूँ, वी नॉट अपॉन रूट टू आई नॉट अपॉन रूट टू, इसी को ही बोलता हूँ मैं वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस। ओके, अभी आपको ऑप्शन दिया है, ऑप्शन उल्टा दिया है, आई आर एम एस और आर के टर्म में दिया है, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं। अप्लाइंग ओहम्स लॉ, वी को आई आर करते तो एवरेज पी कितना मिल जाएगा? आई आर एम एस इंटू आर इंटू आई आर एम एस। ओके, तो ये कितना बन गया बेटा? आई आर एम एस मतलब आई स्क्वेयर आर एम एस इंटू आर, आई स्क्वेयर आर एम एस इंटू आर। तो आपका ऑप्शन, लेकिन लेकिन यहां पे आपका अपन को करंट का वैल्यू दिया नहीं है, वो निकालना पड़ेगा। ये मैंने किया है, ये आपका ऑप्शन है यहां पे, लेकिन अगर ये आपने ऑप्शन लिखा तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। कैसे गलत हो जाएगा दिखाता हूं। तो आपको थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। मैंने आपके लिए वो इक्वेशंस वगैरह मैं लिख के लाए हो, वो एडजस्टमेंट क्या करना, थोड़ा सा मैथमेटिकल है। तो आई विल सजेस्ट यू, तो यहां तक आपने लिखा है, यहां तक आपने लिखा है, लेकिन अभी आई आर एम एस जो है, आई आर एम एस उसका वैल्यू लिखेंगे। तो आई आर एम एस कैसे लिखेंगे? एक मिनट, आपका आई आर एम एस आई नॉट ना, आई नॉट अपॉन रूट टू आएगा ना, एक मिनट हा, बराबर 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 बराबर, ठीक है ठीक है, उसको करते हैं आई नॉट अपॉन रूट टू। ओके, तो यहां पे अगर मैं P इज इक्वल टू वी आई का कंसिडर किया, तो हम क्या करते हैं, एक मिनट हा, तो आपको यहां पे उन्होंने क्या क्या दिया है, 1/2 आई आर एम एस दिया है ना, एक मिनट। तो आपको यहां पे मैंने वो किया है, एक मिनट मैं उसको ढूंढ के लेता हूं। हाँ बराबर बराबर बराबर, ये ही आएगा आपका आर एम एस, नहीं उसको बोलेंगे वी आई बोलेंगे, ठीक है बराबर है। तो यहां पे हम वो निकाल के लेते हैं, निकाल के चलते हैं, बराबर है ये। ओके, तो आई की जगह, आई की जगह आपको आई नॉट साइन ओमेगा टी डालना है। तो आप ऐसे करो, ओके, ये ऑप्शन आपका नहीं आएगा, ओके, विल नॉट कम। ये मैंने आपको ऐसे दिखाया है, ये ऑप्शन नहीं निकाला है हमने, ये P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर निकालने के लिए मैंने आपको दिखाया है, नहीं तो आप बोलोगे कैसे आएगा। ये मैंने आपको निकाल के दिखाया है कि कैसे P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो आपको करना क्या है, तो यहां पे ही करते हैं। ओके, तो करना क्या है वो अभी दिखाता हूं। ये समझ गया आप, यहां तक आई स्क्वायर आर कैसे आएगा समझ गया। तो अभी आई जहां पे है ना आपका, वहां पे आई नॉट साइन ओमेगा टी वो आपको डालना है। तो P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर कोट करो, देयरफॉर एवरेज, ऑफ कोर्स एवरेज P इज इक्वल टू एवरेज वैल्यू ऑफ I not sin omega t bracket square into r। तो एवरेज p कितना मिल जाएगा बेटा? I not square r sin square omega t। इसका सबका एवरेज है। तो अभी यहां पे क्या है, यहां पे आपको ये बात, ये इसके लिए मैंने ये किया, इसका वैल्यू एवरेज निकालना पड़ेगा, एवरेज वैल्यू।
अभी उसका एवरेज वैल्यू कितना निकालेंगे वो देखो। अभी यहाँ पे यू कैन राइट, वी कैन राइट, ये ठीक से नोट डाउन करके लो। मैं भी कभी कभी थोड़ा उसका फॉर्मुलेशन कभी कभी मेरे दिमाग से जाता है, मैंने उसको लिख के लाया हूँ। ऐसा कुछ नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं मेरे मेरे पास वो कागज रखा हूँ, मैंने क्या क्या किया है, करते टाइम मैं करता हूँ, लेकिन अभी बताते समय अगर मैं भूल गया वो क्या यूज किया। तो मैंने फॉर्मूला यूज किया है 1 minus cos 2 omega 2/2, ओके, 1 minus cos 2 omega t/2, बराबर। तो ये फॉर्मूला मैंने यूज किया, करके देखते हैं। 1 minus cos 2 omega t, cos 2 theta, तो वो फॉर्मूला आपको मालूम है, ये ज्यादा करने का जरूरत नहीं है आपको, वो मालूम होगा फॉर्मूला, ये कुछ sin 2 theta, cos 2 theta, वो सब है, उसका यूज करके आप कर सकते हो। साइन स्क्वायर आता है 2 sin square omega t will be 1 minus cos 2 omega t, ऐसा आता है, ओके। और cos 2 omega t is 1 minus sin square 2 sin square omega t, ओके, हो गया। तो यहाँ पे p कितना बन जाएगा, therefore मेरा p कितना बन जाएगा बेटा, तो मेरा p बन जाएगा, मेरे p का वैल्यू आएगा कितना आएगा, इसको इसमें डालते हैं, therefore p बन जाएगा I naught square r, और इसका एवरेज 1 minus cos 2 omega t/2, ओके। तो ये मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डालता हूँ। अभी मेरे को किसका एवरेज वैल्यू निकालना होगा, ये मैंने क्यों किया बेटा, आपको समझ गए, स्क्वायर था तो स्क्वायर को निकालने के लिए मैंने उसको थोड़ा सा अलग सा किया। अभी cos 2 omega t एवरेज वैल्यू, तो cos का एवरेज वैल्यू ओवर अ कंप्लीट साइकिल कितना आता है बेटा, cos का एवरेज वैल्यू ओवर अ कंप्लीट साइकिल कितना आएगा, बोलो 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 कितना आएगा, cos का जीरो आएगा। कैसे आएगा जीरो, cos फंक्शन लिखा मैंने, तो cos फंक्शन यहां से चालू करेगा, तो ऐसे जा रहा है अगर, तो ओवर अ कंप्लीट साइकिल इसका ही मिरर इमेज यहां पे मिल रहा है, तो ओवर अ कंप्लीट साइकिल वैल्यू ऑफ cos 2 ओमेगा t विल बी जीरो। तो यहाँ पे मेरे को एवरेज पावर कितना मिलेगा, सो एवरेज पावर विल बी आई नॉट स्क्वेयर आर अपॉन टू, वही मिल गया मुझे, ओके। लेकिन वहां पे उन्होंने आई एम दिया था, ओके। तो मैंने प्रायर कौन सा निकाला था, मैंने निकाला था आई आर एम एस स्क्वेयर इन टू आर, दोनों भी मेथड से कर सकते हो। पहली मेथड से मैंने आंसर निकाल दिया था क्योंकि, लेकिन आपके ऑप्शन में आरएमएस नहीं था इसलिए मैं इसको हटा दिया, मैं बोला क्या ये डायरेक्टली आंसर नहीं आएगा, तो वहां से भी आप कर सकते हो, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए क्या है, दैट इज व्हाई आई हैव एक्सप्लेन एवरीथिंग, नहीं तो 2 सेकंड में आप उसका निकाल सकते हो। ये क्या बनेगा, आई नॉट अपॉन रूट टू ब्रैकेट स्क्वायर इंटू आर, इसीलिए बनेगा वो आई नॉट स्क्वायर अपॉन टू इंटू आर, बन गया ये भी। तो इसी को अभी हम ऑप्शन के लिए कैसे लिखेंगे, हाफ आई एम स्क्वायर इनटू आर। तो ये आपको दिखाने के लिए मैं ये प्रॉब्लम लिया है, नहीं तो ये प्रॉब्लम डिफिकल्ट नहीं है, एकदम इजी टाइप का प्रॉब्लम है। सो आई सजेस्ट यू टू नोट दैट डाउन। इसके बाद में आपका कितना है 156, ओके। तो 156 में क्या है वो देखते हैं, अभी देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 18, 155, हाँ नहीं 154 हो गया ना, हाँ बराबर 156 है आपका। सो प्रॉब्लम नंबर 18, सो प्रॉब्लम नंबर 18 में क्या है वो थोड़ा हम देख लेते हैं। प्रॉब्लम नंबर 18, सो देखो बेटा, आई विल स्टार्ट राइटिंग द प्रॉब्लम, ओके। प्रॉब्लम नंबर 18, अभी 3-4 दिन अपने को प्रॉब्लम सॉल्विंग ही करना है, तो इसके लिए मैंने आपको पीडीएफ शीट्स रेडी करवा के दिया है। व्हाट विल बी द फेज एंगल बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट इन रेजिस्टिव सर्किट, प्योर रेजिस्टर, तो आपको ये करने का जरूरत ही नहीं है। वी एंड आर इन फेज, इन फेज है तो फाइ कितना बन जाएगा जीरो, तो ये करने का आपको जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे दिया है कि आपको ऑप्शन में पाई बाय टू, पाई बाय फोर, पाई बाय थ्री, जीरो, तो जीरो विल बी द करेक्ट आंसर। सो नो नीड टू
go ahead with that. Okay, problem number 19. 19 में क्या दे, देखो बेटा 157 आपका PDF का 157 PDF 157. तो यहां पे आपको क्या पूछा है, इफ द फ्रीक्वेंसी इज डबल, फ्रीक्वेंसी को क्या किया है उन्हें डबल किया है, व्हाट हैपेंस टू द कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड द करंट. ओके, कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या हो जाएगा और करंट क्या हो जाएगा, ये सब लोग को मालूम है, दिखाने का जरूरत नहीं, लेकिन इट्स माय ड्यूटी आई थिंक सो मैं आपको दिखा के रखता हूं. आपका पहले कब एक्सी, एक्सी कैसे लिखते हैं, 1 अपॉन ओमेगा सी, दैट इज 1 अपॉन 2 पाई एफ सी. तो ये बन गया मेरा कैपेसिटिव रिएक्टेंस. तो दैट इज मेरा एक्सी कैसे हो जाएगा, विल बी प्रोपोर्शनल टू 1 बाय एफ. सो एक्सी विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफ. Now, I is equal to V upon XC. IRMS is equal to VRMS upon XC. तो अगर वो XC के ऊपर डिपेंड करता है, ओके, V upon XC है, तो आपका क्या हो जाएगा बेटा? तो I will be equal to V upon 1 upon 2 pi FC. बराबर? तो कितना हो जाएगा? 2 pi FC into V. तो यहां पे I मेरा प्रोपोर्शनल हो जाएगा F से. तो XC is inversely proportional to F, I will be directly proportional to F. So if frequency is doubled, मतलब F2 is equal to 2F1 हो जाएगा. तो अगर F2 is equal to 2F1 है, तो मेरा इक्वेशन कैसे कैसे बन जाएगा, एकदम सिंपल बन जाएगा. F2 2F1 मिला, तो नंबर वन XC2 upon XC1, ये क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शनल है, ये बन जाएगा F1 upon F2, तो F1 upon 2F1, ये कितना बन जाएगा, हाफ बन जाएगा. कैपेसिटिव रिएक्टेंस कितना बन जाएगा आपका, हाफ बन जाएगा. और दूसरा करंट कितना है, डायरेक्टली, सो आई विल ऑल्सो गेट डबल, ये लिखने का जरूरत. तो अगर इफ द फ्रीक्वेंसी इज डबल्ड, देन आपका ऑप्शन कितना आएगा, ऑप्शन में कितना दिया है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज हाफ एंड द करंट इज डबल, आपका ए ऑप्शन आएगा. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो आगे जाते हैं प्रॉब्लम नंबर 158 के लिए. अपने लिए अपना प्रॉब्लम नंबर है, अपना प्रॉब्लम नंबर है 20. सो विल गो फॉर द प्रॉब्लम नंबर 20, यहाँ का 158. तो प्रॉब्लम नंबर 20 में क्या दिया, अभी देखते बेटा. तो प्रॉब्लम नंबर 20 में, मतलब आपका 158 पीडीएफ में क्या दिया है देखते हैं. तो मैं प्रॉब्लम को रीड करता हूं. इसमें क्या दिया देखो बेटा, टू एक्सप्रेस एसी पावर, सॉरी वोल्टेज एंड करंट इन एसी सर्किट आर गिवन बाय, वी कितना दिया है बेटा, 5 साइन 100 पाई टी माइनस पाई बाय 6 वोल्ट, एंड करंट कितना दिया है, 4 साइन 100 पाई टी प्लस पाई बाय 6 एम्पियर. देन वोल्टेज लीड्स, करंट लीड्स, वो सब देखते हैं, एकदम सिंपल है, यहां पे कुछ भी देखने का नहीं. इसको बोलो phi1, इसको बोलो phi2. तो इक्वेशन से आपको पता चलता है, फ्रॉम द इक्वेशन इट इज क्लियर दैट फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस कैसे निकलती, ये आई थिंक प्रॉब्लम, ऐसा ही प्रॉब्लम मैंने आपको करवा के लिया है. ये बन जाएगा phi2 माइनस phi1. phi2 कितना है आपका, pi by 6 माइनस माइनस pi by 6. तो ये कितना बन जाएगा, pi by 6 प्लस pi by 6. तो आपका डेल्टा phi कितना बन जाएगा, therefore delta phi will कितना हो जाएगा, pi by 6 प्लस pi by 6, 2 pi by 6, मतलब ये pi by 3 हो जाएगा. ओके, pi by 3 हो जाएगा. तो अगर pi by 3 है, मतलब ये कितना होगा, फेज डिफरेंस आएगा आपका
लगता है 60 डिग्री, है ना, 60 डिग्री। ओके, तो ये माइनस है और ये, हाँ यहां पे अभी प्लस माइनस का आपको बहुत टाइम को ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि कौन लीड कर रहा है और कौन लैग कर रहा है। तो ये प्लस है और ये माइनस है, तो करंट लीड्स द वोल्टेज बाय 60 डिग्री, करंट लीड्स द वोल्टेज बाय 60 डिग्री, ये आपका ऑप्शन आएगा। सो आई विल सजेस्ट यू टू नोट दिस डाउन। यहां से हम प्रॉब्लम नंबर 21, मतलब आपका पीडीएफ का 159 को जाते हैं। प्रॉब्लम नंबर 21 मतलब पीडीएफ 159। तो आज अच्छा हो गया, थोड़ा सा ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया कल के मुताबिक। कल तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था स्टार्टिंग को, इसलिए थोड़ा सा कम हो गया था। प्रॉब्लम नंबर 21 पीडीएफ 159, 21 ही है ना, ठीक है मैं भूल गया अभी। ठीक है, टू एक्सप्रेस एसी पावर इन द सेम फॉर्म एज डीसी पावर द स्पेशल वैल्यू ऑफ करंट। ओके, ये आरएमएस वैल्यू है, ये आरएमएस है, इसका आंसर आरएमएस वैल्यू आएगा, इसमें ज्यादा कुछ ये नहीं, इसका आंसर डायरेक्टली आपका आरएमएस आएगा। लेकिन 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 उसको ही इफेक्टिव भी बोल सकते हैं, उसको इफेक्टिव भी बोल सकते हैं। तो आपका जो ये करेगा क्या बोलते हैं, द वन विच विल बी इन हरी, वो ए लिख के आगे जाएगा, तो उसको ही इफेक्टिव वैल्यू भी बोलते हैं, इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट, क्योंकि आपने प्रॉब्लम में पढ़ा होगा बहुत टाइम को आप प्रॉब्लम वो देते हैं द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट इज गिवन एज डैश डैश डैश, तो आरएमएस को ही इफेक्टिव वैल्यू भी बोल सकते हैं। और लास्ट का है आपका लाइट बल्ब रेटेड एट 100 वॉट। ओके, सो लास्ट प्रॉब्लम पीडीएफ आपका 160, ये आपका आज का लास्ट प्रॉब्लम। लाइट बल्ब इज रेटेड एट, पावर कितना दिया है 100 वॉट एंड वी कितना दिया है सप्लाई वोल्टेज 220 वोल्ट, 100 वॉट एंड 220 वोल्ट, क्या पूछा है उन्होंने, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब। और ऑप्शन कितना है, ऑप्शन दिया है 48, 484, 480, 350। ठीक है, देखते हैं, P इज इक्वल टू वी आर, तो V को क्या करते हैं I इंटू आर, ओके नहीं 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 V को नहीं करेंगे, V दिया है ना आपको, V इंटू I इज V अपॉन R, तो ये बनेगा V स्क्वायर अपॉन R, तो R कितना बनेगा मेरा V स्क्वायर अपॉन P, तो अभी V कितना है 220 इंटू 220 अपॉन 100, तो ये दोनों जीरो चले जाएंगे, 22 इंटू 22 484 ओम। So this will be the correct answer. So beta, in this way we have completed first sheet named 12 A2 10 and 11 August. So aaj ko wo humne wo sheet complete kar diya hai. So I hope you have understood everything whatever I taught you, and I will suggest you to go through each and every problem once again, again and again. I will suggest you to solve each and every problem. Just rough, no problem. लेकिन एक नोटबुक में उसको सॉल्व करते जाओ, ऊपर शीट का नाम लिखते जाओ, कौन सा शीट सर ने कौन सी डेट को दिया है, ये पूरा डेटाबेस अपने पास रखो और उस डेटाबेस के मुताबिक आप अपना स्टडी करो, बिकॉज योर स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट, विदाउट स्टडी एंड विदाउट प्रैक्टिस यू विल नॉट बी एबल टू अचीव वॉट यू वॉन्ट, तो उसका आपको ख्याल रखना ही पड़ेगा। सो आई विल सजेस्ट यू टू प्रैक्टिस वेल फॉर ईच एंड एवरीथिंग इन दिस टॉपिक 16 को एग्जाम है आपका, तो 16 के एग्जाम के लिए आप पूरी तरह तैयार हो ऐसा मेरे को लग रहा है। आई होप एवरीबडी हैज एंजॉयड द सेशन। सो आई विल सजेस्ट यू टू स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे ट्यून विद फिजिक्स, डोंट लीव प्रैक्टिस, डोंट लीव पेशेंस, डोंट बी गेट टायर्ड, be enthusiastic. If you are having any doubt, any query, feel free to ask me. Everybody try to attend the doubt session. Try nahi, aapko aana hi hai. So be attentive for the doubt session. Again, stay home, stay safe. Bye bye.